थी। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बालाघाट जिला धान उत्पादन के मामले में अव्वल नंबर है। यहां किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर गोदामों तथा ओपन कैब में रखा जाता है। जिले के वारासिवनी तहसील अंतर्गत ग्राम खापा के ओपन कैब में रखी धान के रखरखाव हेतु साल 2021 में अहमदाबाद की गो ग्रीन वेयर हाउस लिमिटेड नामक निजी कंपनी से प्रदेश स्तर से अनुबंध किया गया था, किंतु कंपनी द्वारा लापरवाही बरतते हुए खुले में रखी धान का अनुबंध की शर्तों अनुसार रखरखाव नहीं किया गया। इसकी जांच वेयर हाउसिंग बालाघाट के डीएम रमेश पटले द्वारा की गई। जांच में लगभग 6,632 मीट्रिक टन धान की कमी पाई गई, जिसकी कीमत 12,88,00,000 रुपए बताई जा रही है, जबकि 77,00,000 रुपए कीमत की लगभग 40 मीट्रिक टन धान खराब हो गई। डीएम पटले ने इसकी रिपीट अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और उन्हीं के निर्देश पर गो ग्रीन कंपनी अहमदाबाद के डायरेक्टर संतोष साहू, स्टेट हेड सौरभ मालवीय और कंपनी के एडवाइजर अखिलेश बिसेन के खिलाफ वारासिवनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये बालाघाट जिले में जो समर्थन मूल्यों के धान खरीदी की जाती है, उसके रख रखाव के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक कंपनी का अनुबंध किया था गोग्रीन के। उस कंपनी की जिम्मेदारी थी कि जितना भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाए उसको रख रखाव करे और उसको व्यवस्थित रखे, लेकिन गोग्रीन कंपनी के द्वारा उस शर्तों के मुताबिक धान को सुरक्षित नहीं रख पाया। इस संबंध में जो जिला प्रबंधक है सरकारी का, उनके द्वारा जांच की गई है। जांच के दौरान उस कंपनी द्वारा कई अनियमितता पाई गई, जैसे पानी घुसना, धान इधर उधर बिखर जाना, शुद्ध भूख हो जाना, इस तरह की कई प्रकार की लापरवाही हुई। इस लापरवाही से उस समय लगभग 2,733 टन मेट्रिक टन धान खराब हुआ है, जो करीब 12,08,76,000 का हुआ। इसकी जांच उनके द्वारा की गई। रमेश पटले जो कि जिला प्रबंधक थे, उनके द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान तो उनके रिपोर्ट पर थाना पर अपराध संजीवित किया गया, धारा 406-409 के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।